एक गांव में रामू नाम का आदमी रहता था। वह एक लकड़हारा था। रामू प्रतिदिन जंगल जाया करता था ताकि लकड़ियां काटकर बाजार में बेच सके और अपना पेट भर सके। एक दिन की बात है, वह लकड़ी काटने जंगल जा रहा था। तभी रामू को रास्ते में एक टूनी चिड़िया मिलता है। टूनी चिड़िया जोर जोर से रो रही थी। फिर रामू पूछता है, क्या हुआ चिड़िया रानी, तुम बहुत परेशान दिख रही हो और आखिर में तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ है, हमें भी जरा बताओ। चिड़िया ने जवाब दिया, इंसानियों के द्वारा जंगल की सारी पेड़ काटी जा रही है, मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग अब कहाँ रहेंगे। टूनी की बात सुनकर रामू ने जवाब दिया, इसमें रोने वाली बात क्या है, तुम दूसरे जंगल में चले जाओ, इस जंगल के सारे पशु पक्षी दूसरे जंगल में जाकर रह रहे हैं, तुम भी चले जाओ, उधर ही रहो, इस जंगल में रहने की क्या जरूरत है। देखते ही देखते सारा जंगल खत्म हो गया। जिस रास्ते से रामू जंगल जाता था, रोज उसी रास्ते पर रोती हुई टूनी चिड़िया मिल जाती थी। मगर एक दिन की बात है, जब रामू उसी रास्ते से जंगल जा रहा था तो कोई पंछी नजर नहीं आया। लेकिन कुछ देर चलने के बाद एक पेड़ की डाली के नीचे एक घोंसला गिरा हुआ था और टूनी चिड़िया उस डाली के नीचे दबी हुई थी। टूनी चिड़िया का यह हाल देखकर रामू सोचने लगता है, हे भगवान, मैंने अपने स्वार्थ के लिए जंगल के कितने जीवों को बेघर कर दिया, हे भगवान मुझे माफ कर देना और आज के बाद से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। फिर रामू ने कसम खाया कि पैसे कमाने के लिए कभी भी जंगल की पेड़ों को नहीं काटूंगा। तो हमारी कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।